देखिए क्लास सिक्स एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। राइट दिस फ्रैक्शन को एडिशन करना है, जितने भी है ना इसको एडिशन करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 पार्ट में 1 स्क्वायर को बांटा गया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, इसको भी 1, 2, 3, 4, 5 5 पार्ट में, और इधर भी 1, 2, 3, 4। तो देखिए ये ऐसे बना गया, इसमें कितना है 3 को कलर कर दिया गया, ये हो गया, ये जो है ना ये 3 को कलर किया गया है, इसमें 2 को कलर किया गया है और इसमें 1 को कलर किया गया है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो हमें इसको करने से पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, ठीक है। अब इसको हमें करने से पहले देखिए, ये कलर, ये 2 कलर और इसमें 1, 2, 3 कलर, लेकिन सब में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और क्या है सब में 5 कॉलम ही है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए 1, 2, 1, 1, 2, 3, तो सब में 5 है, तो हमें क्या लिखना, बीच में प्लस लगा हुआ है तो यहां पे हम लिखेंगे 1 कलर है और अपॉन में 5, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 प्लस, यहां पे भी हम करेंगे तो 1, 2, तो 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू, जैसे ही हम ऐड करेंगे तो एलसीएम इसका जैसे ही हम लेंगे, ये क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम नीचे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 बराबर ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। अब यहां पे देखते हैं इसकी वैल्यू क्या 3 अपॉन 5 है, क्योंकि हमें इक्वल टू चाहिए, 3 अपॉन 5 आया, तो देखिए कलर 1, 2, 3, तो ये तो 3 अपॉन 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास 3 अपॉन 5, ये है आपके पास क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन में ऐसे करके एक डब्बा बनाया गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, प्लस यहां पे भी एक डब्बा बनाया गया है, उसके बाद इक्वल टू में डाला गया है ये डब्बा, ठीक है, और इसमें जो गोले बनाए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और यहां पे बनाया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए फर्स्ट में जो कलर किया गया है वो 3 को कलर किया गया है, यानी 3 को कलर किया गया है, सेकंड में जो कलर है वो 2 को कलर किया गया है, ठीक है, और बाकी यहां पे जो कलर किया गया है इसमें 2, 2, 4 और 1, 5 ये कलर है, ये कलर है, ठीक है, ये कलर है, ठीक है, ये कलर है और ये कलर है, ठीक है, यहां पे ये इतने पार्ट कलर है। तो देखिए जैसे ही हम इसके अंदर देखते हैं तो 1, 2, 3 इसको तो कलर पार्ट 3 है, और टोटल जो इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल नीचे में कितना है 6, यहाँ पे फिर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे कितना कलर है 2, तो 2 लिखेंगे अपॉन में 6, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 नीचे भी है, इज इक्वल टू हम जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास होगा 3 और 2, 5 अपॉन में 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे भी हमें मिला 5 अपॉन में 6, तो इसका सम करने पे हमें कितना है 5 अपॉन में 6, और ये भी दे रखा है 5 अपॉन में 6, यानी यही आपका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है फाइंड द सम, क्या बोला है कि फाइंड द सम, यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि फाइंड द सम, यानी सम की बात किया है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहां पे दे रखा है कि 4 अपॉन 15 एंड 2 अपॉन 15, ठीक है,
अब हमें यहां पे क्या करना है, इसको सम करना है, ठीक है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि सम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए सम जैसे ही हम करते हैं तो यहां पे हमें चाहिए बीच में जहां पे एंड लगा वहां पे हम इक्वल टू लिखेंगे, 4/15 प्लस 2/15 इज इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एलसीएम जैसे ही 15 हो जाएगा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4+2, यानी ये हो जाएगा आपके पास 6/15। कैसे हुआ इसको देखिए, फाइंड द सम, हमें क्या बोला है सम करना, तो ये 4/15 एंड 2/15। तो यहाँ पे देखिए 4/15 हो गया, ये बीच में एंड है जहां पे हमें क्या लगा देना है सम लगा देना है, और ये हो जाएगा 2/15। तो ये 4 और प्लस में 2/15, क्योंकि एलसीएम 15 और 15 का एलसीएम क्या आएगा 15 आएगा। अब जब एलसीएम 15 आ गया तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे 6/15 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो आपके पास जो सेकंड दे रखा है 7/22 एंड 5/22, 7/22 एंड 5/22 ये दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी हमें सम करना है, और सम का मतलब क्या होता है ऐड होता है, तो हम यहां पे लिखना होगा 7/22 प्लस 5/22, ठीक है। अब यहां भी देखिए, यहां भी 22 यहां भी 22, तो दोनों का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम आपके पास जैसे ही 22 आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू यहां पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम तो 7 का 7, यानी ये भी 7 और 22 का टेबल 1 टाइम तो 5 बन जाए 5, यहां पे जो आंसर आएगा 12/22। देखिए छोटा कीजिए इसको तो 4 3 जा, देखो 2 टाइम काट लो तो 6 2 जा 12 11, यानी पहले का आंसर 6/11 ऊपर वाला है, तो ऊपर वाले को भी छोटा कर सकते हैं, देखिए 3 2 जा 6 और 3 5 जा, तो इसका भी आंसर जो होगा 2/5 होगा, यानी ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं या 2/5 भी लिख सकते हैं, और इसको 6/11 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास दिया है एड, एड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है 5/13, 5/13 प्लस 1/5। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं कि हमें ऐड करने बोला है, तो देखिए इसको ऐड हम कैसे करते हैं। सबसे पहले 13 और 2 का हमें क्या लेना होगा एलसीएम, तो जैसे ही हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहां पे लिखिए 13 और 2 का एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कोई किसी से डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 × 2 = 26, तो यहां पे हम लिख देंगे 26। 13 का टेबल पढ़िए कितने टाइम में 26 आता है, तो 13 1 जा 13 13 2 जा 26, तो वैसे ही अगर 2 टाइम्स आया तो 5 का टेबल भी हमें 2 टाइम्स पढ़ना होगा, तो 5 2 जा 10 प्लस, हमें अब 2 का टेबल पढ़ना होगा, 2 का टेबल में कितने टाइम में आता है 26, तो 13 2 जा, तो 1 का टेबल हमें 13 टाइम पढ़ना होगा, तो 13 1 जा 13, यानी ये जो आंसर आ गया तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 10 और 13 हो जाएगा 23/26, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे ही सेकंड की बात करते हैं तो 8/15 प्लस 2/5, ये हो जाएगा 8/15 प्लस 2/5। अब देखिए 8/15 है और 2/5 है, तो हमें क्या करना होगा दोनों को क्या करना है ऐड करना है, सॉरी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखना होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर में कितना है 15 और 5, इन दोनों को आपको क्या लेना होगा एलसीएम, तो ये देखिए यहाँ पे 15 है यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों का एलसीएम लीजिए 15 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, तो देखिए 1 तो 3 से, तो 3 से 1 जा रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 से 5 3 जा, और ये 5 बन गया, तो आपके पास यहाँ पे फिर निकाल दीजिए 3 बन जा 1,
तो यहाँ पे 5 × 3 एलसीएम कितना दे, ठीक है एलसीएम निकालना आपको आता है लोगों। तो नीचे में हमें एलसीएम कितना मिला, 15 मिला। यहाँ पे जैसे ही 15 मिला तो 15 का टेबल पढ़ेंगे, तो 15 बन जा 15, तो 15 बन जा 15 तो 8 बन जा 8 प्लस 5 × 3 जा 15 तो 2 × 3 जा 6, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 14/15, ठीक है ये आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास 9/4 प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम लीजिए 4 और 2 का, तो 4 और 2 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है। तो जैसे ही 4 और 2 का एलसीएम लेंगे आपके पास एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 × 4 तो 9 बन जा 9 प्लस 2 × 4 तो 3 × 2 = 6, तो ये कितना हो जाएगा 15/4, ये आपके पास। देखिए डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर बड़ा है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 4 × 3 = 12 और ये 3/4, यानी ये कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए 4 से आप डिवाइड कीजिएगा कितना 15, तो जैसे ही 15 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 × 3 = 4 × 3 = कितना 12, ये 3। ये देखिए यहाँ पे जो ये कोसेंट आता है उसके ऊपर 3 होल्ड 3/3 रिमाइंडर आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो ये आपके पास है 7/3 प्लस 18/5, ठीक है। अब देखिए 7/3 प्लस 18/5 ये है। अब देखिए हमें 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम जैसे ही लेंगे 3 और 5, तो देखिए ये आपस में क्या है, दोनों ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा, ये मल्टीप्लाई 5 = 15 मिलेगा, तो एलसीएम आपके पास कितना आ गया 15। एलसीएम जैसे ही 15 आ गया तो 3 5 = 3 का टेबल पढ़िए, तो 3 का टेबल पढ़ते हैं तो कितने टर्म में 15 आता है, तो 3 5 = तो 7 5 = 35 प्लस, ठीक है 3 5 = तो 7 को 5 टाइम पढ़ना, और ये 5 3 = 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 = 15 तो 8 3 =, ठीक है हमें सिर्फ एलसीएम से इसको ऐसे करना है। अब जैसे ही हम इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 और ये 5 और 3 8/15, ठीक है ये आ गया। इसको भी अब आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में जैसे ही इसको चेंज कीजिएगा आप यहाँ पे देखिए 15/15 6 टाइम में ज्यादा हो जाएगा तो 5 टाइम्स लगाइए 75, ये 4 और ये 1, तो 5 होल्ड 14/15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 होल्ड 14/15, ये आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं, अब हमारे पास दिया है एड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है एड द फॉलोइंग, ठीक है क्वेश्चन नंबर 1st बोला है 3 होल्ड 4/5 प्लस 2 होल्ड 3/4, ठीक है इसको अब हमें सॉल्व करना है। देखिए जैसे ही हम इसको सॉल्व करना है तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कीजिए सबसे पहले इम्प्रोपर में, तो हमें इसका इसका टेबल पढ़ना होगा, तो 5 3 = 15 और 4 को ऐड कर देना होगा, यानी इसको हमें 5 3 = 15 और प्लस में 4 19/5 प्लस से तो प्लस लगा देंगे 4 2 = 8 और 8 और 3 11/4, क्या करना है
फाइव थ्री जा 15 और ये 4 को ऐड कर देना है तो ये 19 हो जाएगा। 4 टू जा 8 और 3 11 बाई 4। इसका जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब जब 20 ले लेंगे तो हमें अब 5 का टेबल पढ़ना होगा, तो 5 4 जा ठीक है, तो 19 का टेबल 4 टाइम ठीक है, तो 19 4 जा कितना होगा, क्या होगा जी, तो 19 4 जा 76 ठीक है, प्लस 4 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 4 5 जा तो 11 5 जा इतना। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 6 और 5 11 और 7 और 5 12 और ये 13 ठीक है। तो इसको देखिए जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो 6 ये 120 और ये हो जाएगा 11 अपॉन 20 ठीक है। तो इसको भी आपको डिवाइड करके 6 और 11 अपॉन 20 ये आंसर आएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं और आगे जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसके बारे में हमें बताइए, हम आपको बताते हैं ठीक है। एक बार आंसर सबका मिला लीजिए आप, 7.2 का 7.4 है तो एक्सरसाइज 7.4 का है, 6 होल्ड 11 अपॉन 20। ऐसे ही करके हमें आगे भी क्वेश्चन करने हैं ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देख लीजिए, एक बार सेकंड की बात करते हैं तो 2 होल्ड 5 अपॉन 8 प्लस 3 होल्ड 3 अपॉन 9 ठीक है। इसको जैसे ही करेंगे तो 8 टू जा 16 और 5 21 अपॉन 8 8 टू जा 16 और 5 21 प्लस 9 3 जा 27 और प्लस में 3 यानी 30 अपॉन 9। देखिए 9 3 जा 27 और 3 ये हो जाएगा 30 अपॉन। दोनों का एलसीएम लीजिए तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 72, क्योंकि दोनों हैं एक ऑड है और एक इवन है तो हमें दोनों को मल्टीपल 72 आया। अब देखिए जब 72 आया तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 8 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18 प्लस इसको जैसे ही 8 से करेंगे तो 8 3 जा 24। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास 9, ये आपके पास 9 हो गया, ये 4 और 8 तो 12 2 कैरी 1 2 और 1 3 और ये 4 अपॉन 72 ठीक है। अब देखिए 3 के टेबल से दोनों डिविजिबल है, 3 से ये भी डिविजिबल है और 3 से ये भी डिविजिबल है ठीक है। तो 3 से देखिए इसको काटेंगे तो 24 और 3 से काटिए तो 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 4 जा 12 3 जा। तो अब देखिए 4 3 7 8 अब 3 से डिविजिबल नहीं है तो आपके पास यही आंसर आ गया 143 अपॉन में 24। अब 24 से डिवाइड कर दीजिए 143 ठीक है, तो 24 25 120 और ये हो जाएगा जाकर के आपके पास 23। तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे 143 अपॉन में 24 इज इक्वल टू 5 होल्ड 23 अपॉन में 24 ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर, ये वो आंसर मिला लेते हैं 7.4 का है 5 होल्ड 23 अपॉन में 24 आंसर सही ठीक है।